वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि आप बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट में अपना बहुत ही अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपना किया हुआ है। जी हाँ, मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट का यूज़ किया हुआ है अपने मेकअप प्रोडक्ट का और मैंने अपना इतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप भी चाहें तो आप कम से कम आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट है आप उन्हीं में से ही अपना मेकअप बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास बहुत मेकअप की वैरायटीज़ नहीं है तो आपके पास जो ही जितना ही है आप मेकअप, आप उन्हीं मेकअप को यूज़ करके अपना बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने जैसा पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अंडर 300 रुपीज़ में अपने मेकअप प्रोडक्ट मैंने आपको सारे दिखाए हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे और बहुत ही कम प्राइस के थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। आज मैं उन्ही प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाया हुआ था पहले के वीडियोज में, जितना मैंने रिव्यू किया हुआ था, आज मैं उन्हीं प्रोडक्ट में से ही अब यूज़ करके, सिर्फ 5 प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है जितना मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में, उसमें से सिर्फ मैंने 5 ही प्रोडक्ट यूज़ किया है और उन 5 प्रोडक्ट को यूज़ करके ही मैंने अपना ये लुक क्रिएट किया हुआ है जो आप लोग देख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये जो लुक क्रिएट किया हुआ है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लग रहा होगा तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैंने अपना लुक कैसे क्रिएट किया हुआ है और कितनी इजी तरीके से किया हुआ है। और मैंने जितना मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सारे अपने सिर्फ हाथों का, अपने फिंगर का यूज़ किया है, मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं भी होगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं ब्रश से मेकअप होगा या फिर ब्यूटी ब्लेंडर भी होगा तभी मेकअप हो सकता है। जी नहीं, मैं तो मोस्टली अपने हाथों का ही, अपने फिंगर का यूज़ करती हूँ। तो आप चाहे तो अपने हाथों, अपने फिंगर का यूज़ करके ही आप अपना बहुत ही अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत बातें नहीं करते और वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, तो मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले बायोटेक का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि काफ़ी लाइट वेट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूँगी और अपने फेस पे और अपने नेक पे अच्छे से लगा के मसाज करूँगी। इससे हमारा फेस काफ़ी ग्लोइंग, हाइड्रेटिंग और हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ NYWay का 3-in-1 फाउंडेशन। इसमें प्राइमर, फाउंडेशन और सीरम तीनों एक ही सीसी में आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं इसे अपने पूरे फेस पे और अपने नेक पे लगा के अपने फिंगर का यूज़ करते हुए अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे भी और अपने नेक पे भी। इससे होता क्या है कि जो हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, उन सबको हाइड कर देता है। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और इतना ईजिली ब्लेंड हो जाता है जैसे हम रेगुलर अपनी क्रीम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ लूज़ पाउडर या फिर यू कहे कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें छोटा सा पफ दिया हुआ है, उसकी सहायता से मैं यहाँ पे अपने पूरे फेस पे टैप टैप करते हुए अपने मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी और साथ ही साथ मैं अपने पूरे नेक पे भी ऐसे टैप टैप करके लगाने वाली हूँ। इससे होता क्या है कि जो भी हम कंसीलर, फाउंडेशन जो भी अपने फेस पे लगाए रहते हैं उसको सेट करता है और ऑयल कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ मैट लिपस्टिक। मैं इसे 4 तरह से यूज़ करने वाली हूँ। पहला तो आई शेडो के रूप में, तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर का यूज़ करते हुए अपने आँखों के आईलेट पे हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आँखों पे भी हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं अपने लिपस्टिक को एज अ लिप लाइनर भी यूज़ करूँगी। तो अपने लिप्स पर मैं हल्की सी लाइन ड्रॉ करूँगी नीचे और ऊपर, ताकि जब मैं अपने लिपस्टिक से अपने लिप्स को फिल करूँ तो लिपस्टिक बाहर ना जाए और दिखने में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिप्स को अच्छे से फिल करूँगी लिपस्टिक से जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद 4th और लास्ट स्टेप है, मैं इस लिपस्टिक को एज अ ब्लश भी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर की हेल्प से अपने दोनों चिक्स पे नीचे से ऊपर की तरफ लिपस्टिक लगा रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड करूँगी नीचे से ऊपर की तरफ ही। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो आप जब भी इस तरह से लगाएँ तो नीचे से ऊपर की तरह लगाएँ, ब्लेंड करें तो काफ़ी अच्छा नेचुरल ग्लो दिखेगा। होता क्या है कि हम इतना सारा फाउंडेशन, पाउडर जब भी लगाते हैं तो हमारा जो नेचुरल ग्लो होता है वो फेस का हाइड हो जाता है, इसलिए जब भी हम ब्लश लगाते हैं ताकि हमारा ये फेस का जो नेचुरल ग्लो दिख सके। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास वैसलिन का पेट्रोलियम जेली नहीं था तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर ही यूज़ किया हुआ है।
अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप वैसलीन का पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हाइलाइटर का ही काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लश लगाया है उसके ऊपर मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। उसके बाद मैं उस अपने फेस के उस सभी एरियाज़ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ जो हाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट दिखाना है, अच्छा लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 on 1 का आईलाइनर लगा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका मतलब कि कलर काफ़ी डार्क है ब्लैक में, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और बहुत ही आराम से मतलब लग भी जाता है, ब्लेंड हो जाता है बहुत आराम से और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे छोटी सी काली बिंदी लगा रही हूँ जो मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी हुई है जो कि मैंने रिसेंटली परचेस किया हुआ है ऑनलाइन, जो ये भी मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मेरे ड्रेस को। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंघी कर लिया है बीच मांग निकाल के, और ये मैंने यहाँ पे उसके बाद सिंदूर भर भर के लगा लिया है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप सिंदूर को स्किप कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे सिंदूर भर भर के लगा रही हूँ ताकि मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है सिंदूर लगाने, सिंदूर बिंदी करने से। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बाल सेट कर लिया है फिर से एक बार अच्छे से कंघी करके, तो मैं यहाँ पे मेरा फाइनल लुक कम्प्लीट होता है। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मेरा फाइनल लुक आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैंने कितने का प्रोडक्ट में अपना इतना अच्छा सा लुक क्रिएट कर लिया। हे एवरीवन, तो आपने देखा है कि मैंने कौन कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है और कितने कम प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने अपना इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सेटल लुक मेकअप मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप चाहे तो आप भी ऐसे ही आपके पास जितने सारे मेकअप के कम से कम प्रोडक्ट हों उन्हीं को मिक्स मैच करके आप अपना बहुत ही अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मेरे पास बहुत सारे मेकअप है लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि अगर आपके पास मेकअप बहुत सारे नहीं हैं तो आप कम से कम जितने सारे कम प्रोडक्ट हों आप उन्हीं में से अपना मेकअप बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में पैसे इन्वेस्ट हों, बहुत सारे पैसे लगें तब भी हमारा मेकअप अच्छा हो सके, जी नहीं। जितना आपका हमारे पास कम मेकअप रहेगा उसमें भी हम बहुत अच्छा अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग चाहते तो मेरी इंस्टाग्राम ID है chanta.4500 के नाम से, आप चाहे तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID एक बार जरूर चेक कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाके वहाँ पेज मेरा चेक कीजिएगा, वहाँ भी मैंने इस लुक जो मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है उसमें मैंने बहुत सारे ढेर सारे रील्स मैंने बनाया है, तो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे वहाँ फॉलो भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे इंस्टाग्राम ID पे मेरे जितने सारे रील्स हैं, मैं वहाँ पे बहुत सारे रील्स मैं अपलोड करती रहती हूँ जो भी मैं अपना कोई नया लुक क्रिएट करती हूँ, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम ID नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग जाके बार जरूर विजिट करिएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी आज की हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, मेरा लुक अच्छा लगा हो जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो मेरी वीडियो, मेरा लुक, तो मेरी वीडियो पर ढेर सारा लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बट अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मुझे मेरी वीडियो को देख सको, आपको वेट करने की जरूरत जाना पड़े। तो जब भी मैं कोई वीडियो अपने अपलोड करूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल जाएंगी ताकि आप देख सकते हो, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ढेर सारा लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।